हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं विवेक दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के री मेडिकल के बारे में, और वो भी हम आरआरबी चंडीगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये री मेडिकल, अब मैं बता दूँ आपको कि ये जो री मेडिकल है वो उसकी डेट फिर से आनी स्टार्ट हो गई है, उसके लिए कॉल आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और आज हम पहले उस डेट से पहले बात करेंगे माय डियर कि हम री मेडिकल का फुल रिव्यू देखेंगे। देखिए री मेडिकल आपका पहले मार्च में हो रहा था, आपके लिए पहले कॉल आया होगा कि और ये मार्च में री मेडिकल आपका स्टार्ट हो चुका था ऑलरेडी, तो हम उसका थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब मेडिकल ऑलरेडी हो चुका था और उनका रिजल्ट किस तरीके से आया, वो किस तरीके से री मेडिकल हुआ है, वो हम पहले प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि री मेडिकल कब से स्टार्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टर कोविड-19 की वजह से। तो चलिए आगे वीडियो में दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ, मेरा फ्रेंड है जिसका री मेडिकल जो मतलब चंडीगढ़ से उसने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था, उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हो गई थी। उसका जो री मेडिकल था वो 9 मार्च 2020 को उसका री मेडिकल था, ठीक है। उसका उस समय कोरोना नहीं आया होता तो उसका री मेडिकल ऑलरेडी हो चुका था। और री मेडिकल से पहले जब उसका अंबाला में उसका जो मेडिकल हुआ था उसकी जो आई थी वो थी 6x6 और 6x9, ये उसकी लेफ्ट थी, ये राइट थी, ठीक है माय डियर। अब देख लेते हैं अभी उसका जो री मेडिकल जो उसका 9 मार्च को जो उसका री मेडिकल हुआ था उसका फुल रिव्यू उसने दिया हुआ है कि उसका फाइनली अभी जो उसका रिजल्ट आया हुआ हाल के हाल, उसने डॉक्टरों ने उसका रिजल्ट तो नहीं बताया बट उस अभी उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसको बाय मेल और बाय पोस्ट दोनों उसका फुल रिव्यू आया हुआ है। तो देख लेते हैं माय डियर, देखिए ये 8 तारीख को उसको मेरे दोस्त को यहाँ पे उसको नोटिस आया हुआ है, ये मेल का मैंने बताया हुआ आपको। देखिए सौरभ कुमार, ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, री मेडिकल एग्जामिनेशन अपील फॉर ऑफ सौरभ कुमार टेक्नीशियन पोसी एएलपी के, ठीक है माय डियर। और अब आगे देख लेते हैं, इन्होंने जो अपील की हुई थी वो 1 दस 2019 में की हुई थी, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं, ये देखिए इनका जो सबसे पहले इन लोगों ने अपील की हुई थी 1-10-2019 में इसने अपील की हुई थी, उसके बाद ये चंडीगढ़ में अपील हुई थी, और ये बाद इसके बाद जो लेटर था वो अपील का वो बड़ौदा हाउस गया था, वो कब गया था 21-11-2019 को। उसके बाद इनका जो रीमेडिकल हुआ वो 9 मार्च को हुआ, 9 मार्च को जब इनका रीमेडिकल हुआ दिल्ली में तो इनकी जो आई टेस्ट हुई, मैं बता दूँ इस जो रीमेडिकल में मोर देन फाइव डॉक्टर्स आपका रीमेडिकल लेंगे, जिसमें बहुत ही बारीकी से आपका रीमेडिकल हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये बहुत तगड़े तरीके से अब की बार जो मेडिकल हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ऑलरेडी आप डीएमवी रिकॉर्ड जो आप ऑलरेडी एक हॉस्पिटल से मतलब आप वहाँ से हट चुके हो, मतलब उन लोगों ने मना कर दिया, तो ये नहीं चाहते कि उनके मना करने के बाद हम हाँ करें, तो प्रॉपर तरीके से ये जांच रहे हैं। देखिए अगर 5 या 6 डॉक्टरों ने आपका टेस्ट लिया, अगर 5-6 डॉक्टर आपके री मेडिकल से मतलब सेटिस्फाइड हैं कि आप ओके हैं तभी आपका ओके होगा, अदरवाइज आपको अनफिट अनाउंस कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो हुआ है वो देखिए यहाँ इनका हुआ है 9 मार्च को, इनकी मोर देन 5 डॉक्टर्स ने लिया है। देखिए इनकी जो राइट आई है वो 6x9 आई है और जो लेफ्ट आई हुई है वो 6x18, और पहले इनकी कितनी थी, पहले इनकी थी 6x6 और 6x9। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है माय डियर। तो फाइनली इनको जो क्या है अनफिट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि आप जॉइनिंग के लिए हमारी जॉइनिंग नहीं कर सकते, ये फाइनली अनफिट घोषित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज का री मेडिकल का फुल रिव्यू, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि अब को ये तो कोरोना के पहले का री मेडिकल है उनका, लेकिन कुछ लोगों का क्या है कोरोना के समय री मेडिकल होना था, किसी का 24 मार्च को होना था, किसी को 29 मार्च को होना था, किसी को 1 अप्रैल को होना था, तो इनका री मेडिकल कब होगा। तो माय डियर मैं बता दूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक गोल्डन चांस है कि आप लोगों के लिए री मेडिकल के लिए फिर से कॉल आना स्टार्ट हो गए, मेल आना स्टार्ट हो गए। तो आप प्लीज़ अपना मोबाइल ऑन रखिए, जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड था, ठीक है, और ईमेल प्रॉपरली डेली चेक करिए, आपको कभी ना कभी विद इन अ वीक या विद इन मंथ के अंदर आपको कॉल आ जाएगा या मेल आ जाएगा, तो आप लोग री मेडिकल के लिए जा सकते हैं। और मैं बता दूँ
आप जब रीमेडिकल के लिए जाएंगे तो मोर देन 5 डॉक्टर्स आपका चेकअप करेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अवेयर होकर जाइए और प्रॉपर तरीके से आंखों पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, ये क्योंकि गोल्डन चांस है और ये लास्ट चांस है माय डियर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का फुल नोटिफिकेशन, मतलब एक तरीके से फुल लेटेस्ट न्यूज़ है ये। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो माय डियर तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, अवेयर हो सके रीमेडिकल के लिए। तो दोस्तों ये था आज का फुल लेटेस्ट न्यूज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।